और ब्रेक के बाद इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, कन्नूर में बड़ा हादसा हुआ है, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई अधिकारी घायल बताए जा रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत भी सवार थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद थी, 14 लोग सवार थे। MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की तमिलनाडु के कन्नूर से मिल रही है। कन्नूर से होते हुए हेलीकॉप्टर उड़ी जा रहा था और तभी ऊटी में ये हादसा हो गया। हादसे में अभी तक किसी के जान माल का नुकसान नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है, कई बड़े अधिकारी सेना के इसमें सवार थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। सीडीएस विपिन रावत भी सवार थे, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, MI-17 हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की तमिलनाडु के कन्नूर से मिल रही है। क्रैश के बाद सेना के हेलीकॉप्टर में भीषण आग लग गई है, कुछ ही देर में तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कन्नूर के रास्ते ऊटी जा रहा था ये हेलीकॉप्टर, 14 लोग सवार थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। हादसे के बाद 3 अफसरों को सकुशल बचाया गया है। तमिलनाडु के कन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत भी सवार थे, उनकी पत्नी भी मौजूद थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से तस्वीरें आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और भीषण आग इसमें लग गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, सभी को बाहर निकाला जा रहा है। आसपास के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं और तुरंत आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर में भीषण आग लग गई। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए डिप्टी एडिटर काविंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। काविंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीरें बेहद ही भीषण है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल काजोल, आपको बता दूं कि अभी जो कुछ भी हादसा हुआ है इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान ना तो सेना की तरफ से आया है और ना ही वो आसपास वहां के जो लोग हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं वहां पर जो टुकड़ियां पहुंची है उनकी तरफ से भी अभी तक कुछ भी ऑफिशियल रूप से नहीं कहा गया है। आपको बता दूं काजोल ज्यादा जानकारी के लिए कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है इसके अलावा वहां पर एक और हेलीकॉप्टर था जो सीडीएस विपिन रावत के पीछे चल रहा था, तो अभी तक ये भी साफ नहीं हुआ है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है विपिन रावत क्या सच में उसी में सवार थे या पीछे जो हेलीकॉप्टर चल रहा था उसमें सवार थे। तो ये चीज अभी क्लैरिटी नहीं मिली है इसको लेकर। इसके साथ ही आपको काजोल बताऊं कि ऊटी का जो वेलिंगटन जो डिस्ट्रिक्ट है, वेलिंगटन डिस्ट्रिक्ट में नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे के बाद जब प्लेन क्रैश हुआ, जो हेलीकॉप्टर था वो प्लेन क्रैश होता है, क्रैश होने के बाद वो जंगलों में गिरता है, आग की बड़ी बड़ी लपटें हैं, स्थानीय लोग और इसके साथ ही कुछ सेना की टुकड़ियां वहां पर रेस्क्यू में लगी हुई हैं। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो सका है कि कितने लोग रेस्क्यू किए गए हैं और जो रेस्क्यू किए गए हैं उनकी दरअसल सिचुएशन क्या है, क्या घायल स्थिति है, उस पर भी अभी तक कोई भी बयान क्लैरिटी के साथ नहीं आया है। इसके अलावा जो एक चीज अभी तक निकलकर सामने आई है काजोल स्पष्ट रूप से, वो ये है कि हेलीकॉप्टर के अंदर 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 लोग एक सीडीएस साहब थे, विपिन रावत साहब थे, उनकी वाइफ थी और इसके अलावा ब्रिगेडियर रैंक के एक अधिकारी थे जो उनके स्टाफ के ही मेंबर थे, इसके अलावा 2 पायलट थे। तो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है और जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें सबसे जो मेन बात है वो ये है कि जब हेलीकॉप्टर जिसपे VVIP सफर कर रहे होते हैं वो हेलीकॉप्टर दरअसल दूसरे तरीके के होते हैं, आम हेलीकॉप्टर से वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनको उड़ाने की जो पद्धति होती है वो भी बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसे में ट्विन टैंक लगे होते हैं, ट्विन इंजन की व्यवस्था होती है, इसके बावजूद ये हादसा कैसे हो गया इस पर अब आगे चलकर जांच जरूर होगी, कमेटी जरूर बैठेगी, लेकिन वेदर ठीक नहीं होने की वजह से इस हादसे को पूरा बताया जा रहा है। काजोल, कवन जी एक और चीज यहाँ पूछना चाहूंगी, जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो हेलीकॉप्टर में जो आग लगी है वो जो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक मतलब अभी तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची है? जी बिल्कुल काजोल, रेस्क्यू टीम दरअसल इसलिए नहीं पहुंची है क्योंकि आपको बता दूं कि ये जंगल का एरिया है, पूरा जो एरिया है ये घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर रेस्क्यू टीम सब निकले हुए हैं, रेस्क्यू टीम जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जो सबसे पहले जो वहां पर रिफ्लेक्स के साथ पहुंचे हैं वो स्थानीय लोग ही हैं, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बिल्कुल फॉरेस्ट के बीचों बीच जाकर ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां पर हुआ है, तो रेस्क्यू टीम निकल चुकी है और जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगी। तो इसीलिए अभी तक स्थिति दरअसल साफ नहीं हो पा रही है कि दरअसल हादसा हुआ है तो उसमें कितने लोग घायल हैं और घायल मौजूद बताई जा रही है और कितने अधिकारी इसमें मौजूद है कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आखिर कहां क्या खामी थी कि VVIP इसमें सवार थे और ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ।
जी बिल्कुल काजोल, देखिए अभी तक क्या है कि कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई तरह के बयान निकल कर लगातार सामने आ रहे हैं। कोई बता रहा है कि इतने लोग सवार थे, कोई बता रहा है कि इतने लोग सवार थे, लेकिन अभी तक जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आर्मी की तरफ से नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। हालांकि आशंकाएं जताई जा रही है कि वहां पर अभी तक सब कुछ ठीक है, ये बात कही जा रही है कि अभी तक सब कुछ ठीक है, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि जो हेलीकॉप्टर है उसकी क्रैश की तस्वीरें सामने आ चुकी है, वहां पर आग की लपटें जो निकलती हुई दिख रही है उसकी भी तस्वीरें सामने आ चुकी है। स्थानीय लोग जो वहां पर बचाव कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, लेकिन घायल कौन हुआ है, किस क्या वहां पर कैजुअलिटी हुई है, इसकी कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं है। ये जल्दी निकल कर आएगी, अभी तक इसकी फिलहाल कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं है। यानी कि अभी हमें राहत की बात है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, और अभी हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी होगी, जो आर्मी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका इंतजार करना होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमिलनाडु के कन्नूर में ये बड़ा हादसा हुआ है, कन्नूर के रास्ते जो हेलीकॉप्टर है वो ऊटी जा रहा था, तभी ये क्रैश हो गया। जैसा कि अभी हमारे डिप्टी एडिटर ने भी बताया कि दो हेलीकॉप्टर थे, कौन सा क्रैश हुआ है ये भी साफ नहीं हो पाया है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आर्मी की तरफ से नहीं आया है। तो हमें इंतजार करना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। फिलहाल राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन आम लोगों के द्वारा यहां पर चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन ये हादसा बेहद ही भीषण है, हेलीकॉप्टर में भीषण आग लगी है, लेकिन कौन से हेलीकॉप्टर में लगी है ये भी साफ नहीं हो पाया है, तस्वीरें अभी साफ नहीं हो पाई है, अभी हमें इंतजार करना होगा। बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।